दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी को मोनेटाइज कैसे करें या फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करें, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर भी यह मोनेटाइजेशन वाला फीचर आ चुका है जिसके मदद से हम अपनी आईडी को मोनेटाइज कर सकते हैं या फिर मोनेटाइजेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कंप्लीट तरीका, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, जो होगा काफ़ी शानदार। पूरी वीडियो देखेंगे आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में हम केवल रील ही बनाते चल जाएँ और अपनी आईडी ना मोनेटाइज करें एक रुपये नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम अपने से थोड़ी नहीं देगा। क्योंकि जब हम आवेदन करेंगे तभी वो समझेगा कि हमें मोनेटाइज के लिए आवेदन किए, इनको पैसे देंगे, इसलिए आपको मोनेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पूरा ए टू जेड डिटेल ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखिएगा। स्वागत करेंगे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल देखो टेक हिंदी पर, और आइए लाइव स्क्रीन पर चलते हैं। इंस्टाग्राम आईडी को मोनेटाइज हम कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रक्रिया। यहाँ पे बिल्कुल हम नया और फ्रेश अकाउंट लिए हैं, तो आइए आपको मोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया इसमें समझाते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद कॉर्नर पे थ्री लाइन होगा, इस थ्री लाइन पे जाना है और नीचे की तरफ स्लाइड करना है। जब स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल नीचे आएंगे तो अकाउंट टाइप एंड टूल्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ब्रांडेड कंटेंट का, इस पर क्लिक करिए और देखिए आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। यदि स्टेटस एलिजिबल दिखा रहा है तो फिर बिल्कुल आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके यहाँ पर एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, किसी क्राइटेरिया को आपने मतलब यूट्यूब पर सॉरी यहाँ पर इंस्टाग्राम पर किसी क्राइटेरिया को आपने मतलब बांधा तोड़ा है, जैसे कि मतलब कोई स्ट्राइक वगैरह टाइप से, कॉपीराइट वगैरह टाइप से कंटेंट डाला है, तो हो सकता है यहाँ पे ना एलिजिबल दिखाए आपको, तो आपको इस तरह से एलिजिबल यदि दिखा रहा है तो आपको बैक आना है और फिर से आपको थ्री लाइन पर ही जाना है और नीचे आना है और उसी वाले ऑप्शन पर दोबारा से जाना है, जैसे कि अकाउंट टाइप एंड टूल्स वाले पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट के नाम से एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करिएगा और इसको कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिजिटल क्रिएटर पे आप क्लिक करिएगा और डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको आएंगे क्रिएटर और बिजनेस का, क्रिएटर पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली बटन को क्लिक करके कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बस इतना करके बैक आ जाइएगा, ऑटोमेटिक आपकी आईडी कन्वर्टेड हो जाएगी प्रोफेशनल मोड में, ठीक है। मैंने यहाँ से दोबारा से क्लिक किया, यहाँ पर नॉट नाउ कर दिया और बैक आ गया, ठीक है। अब हमें मिल चुका है यहाँ पर प्रोफेशनल मोड, यहाँ पर हम एक बार अपनी यहाँ पे आईडी को रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा होगा, हम चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। जैसे क्लिक करेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमको मिल गए हैं जो हमको अभी तक नहीं मिले थे, और इस फीचर में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर यह फीचर तभी मिलेगा जब आपने वह एलिजिबल वाला एरिया यदि पार किए हैं तब। अब दोबारा से हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर और नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स के नाम से एक ऑप्शन है, यदि हम इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टेटस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एलिजिबल हो चुका हूँ मोनेटाइजेशन के लिए, ऐसे आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे आप अपने आईडी को मोनेटाइज कर सकते हैं। बाकी प्रेजेंट में दोस्तों यहाँ पे कोई रन मतलब ऐड वगैरह नहीं ये लोग रन कर रहे हैं अभी, कुछ मतलब इसके आगे करने वाले हैं लेकिन फीचर दे दिए हैं, तो इस तरीके से आप अपनी आईडी को मोनेटाइज कर सकते हैं। जानकारी बेहद पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।